प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक विशेष बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम भारतीय लोग प्रभु हमसे ये उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच देखते हैं, मानते हैं। हमारी आदत है, यदि किसी व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बोलो तो कोई ना कोई व्यक्ति कम से कम उसकी चार बुराई जरूर करेगा। ये हम भारतीयों की एक विशेषता है। और यदि आपको किसी भाई या बहन के जीवन की जो बुराइयां हैं वो नहीं मालूम, आप जानना चाहते हो, तो चार लोगों के सामने उनकी प्रशंसा कर दीजिए, तुरंत लोग आपके सामने बुराई रख देंगे। प्रभु अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देखते हैं। प्रभु अपने बच्चों को एक अलग मापदंड से नापते हैं। और हम चूंकि प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम जब अपने भाइयों और बहनों को नाप कर देखते हैं, तब हमेशा उनको प्रभु के वचन के हिसाब से नाप कर देखें। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, नंबर 1, कि हर एक दूसरे की भलाई देखे, अपने स्वयं की भलाई नहीं। दूसरी बात, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हर एक दूसरे को अपने से बड़ा समझे। इन सब बातों से संबंधित एक बहुत ही अच्छा पोर्शन प्रभु के वचन में है, लेकिन अक्सर हम पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा एक पोर्शन आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और प्रभु का वचन इस पोर्शन के द्वारा
हमसे जो बोलता है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज शाम के ध्यान के लिए खोल लीजिए मत्ती रचित शुभ संदेश पहला अध्याय। मत्ती रचित शुभ संदेश, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय, 1 से लेकर 17 पद है हमारे आज के अध्ययन के लिए। और आप बाइबल खोलकर मत्ती पहला अध्याय 1 से 17 देखेंगे तो वहां नाम ही नाम दिखाई देंगे। मेरा अनुमान है कि कम से कम 40 से ऊपर नाम है, 42 से ऊपर नाम होंगे हिसाब से कहा जाए तो। कई बार जब नए नियम हम पढ़ते हैं तब समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और ये प्रभु ने ऐसा क्यों रखा है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। आइए पहला पद देखते हैं। पहले पद में हम देखते हैं इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अक्सर जब ये पोर्शन पढ़ा जाता है तो शुरू के 16-17 पद लोगों को लगता है कि बाप रे सिर्फ नाम ही नाम है, क्यों प्रभु के वचन में ये कहा गया है। आज मैं आपके सामने उसके कुछ कारण रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले ये याद दिला दूं, पहला पद हमको याद दिलाता है कि ये प्रभु यीशु की वंशावली है। प्रभु यीशु कौन है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे विश्व के सृष्टा हैं, उन्होंने अपने एक वचन से इस पूरे विश्व की रचना की थी। प्रभु ने कहा हो जाओ और हो गया, बन जाओ बन गया, आ जाओ आ गया, अलग हो जाओ अलग हो गया। उस प्रभु की वंशावली है। और जब एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर जा रहे थे, प्रभु ने कहा शांत रहो थम जाओ। शिष्यों ने एकदम से कहा कि बाप रे, प्रकृति आंधी तूफान भी उस व्यक्ति की वाणी को मानते हैं। प्रभु यीशु न केवल सृष्टा हैं, वे उद्धारकर्ता भी हैं। प्रभु न केवल सृष्टा और उद्धारकर्ता हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु भी हैं। यदि कोई व्यक्ति राजा महाराजा है तो हम उसके बारे में बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। प्रभु यीशु के बारे में तो प्रभु के वचन में स्पष्ट कहा गया है कि सृष्टा है, उद्धार करता है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बारे में जब कोई व्यक्ति बोलता है या भविष्यवाणी करता है तो हम में से हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि बाप रे, संसार के सृष्टा जब संसार में जन्म लेंगे तो निश्चित रूप से किसी बड़े राज परिवार में जन्म लेंगे। इसीलिए तो जब ज्ञानी लोग हेरोद राजा से मिलने के लिए आए तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि यहूदियों का जो राजा जन्मा है वो कहाँ है। यहूदियों के राजा का जन्म हुआ थे गौशाले में, लेकिन पूर्व देश से जो ज्ञानी लोग आए थे वो लोग कहाँ पहुंचे, राजमहल में, क्योंकि मनुष्य ये उम्मीद करता है कि राजा का जन्म राजमहल में होगा, और जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है उसका जन्म तो जरूर राजमहल में हुआ होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी बातों की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की वंशावली के ये जो 40 से ऊपर नाम हम पढ़ते हैं तब उसमें कई ताज्जुब से भरी कई बातें आती हैं, ये मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरे पद में हम क्या पढ़ते हैं, तीसरे पद में हम पढ़ते हैं यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और उसके बाद आगे की बातें बताई गई हैं। मैंने जीवन में बहुत लोगों की, मसीही लोगों की गवाही सुनी है, और मसीही लोगों की जब गवाही सुनते हैं तब कई बार बहुत ताज्जुब होता है। वो अपने बारे में जो बड़ा चढ़ा के जिस तरह से बताते हैं, अपने जीवन में जो अपने ही परिवार में जो कमजोर लोग हैं उनके नाम लेने से रह जाते हैं, जीवन में ऐसे लोग, अपने परिवार में ऐसे लोग जिनका कोई यश नहीं है,
उनका नाम छुपा जाते हैं, ये हम सबकी ये हम सबका एक स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु की जीवनी जब यहाँ पर बताई गई, तब यहाँ पर लिखा है यहूदा से फेरेस और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए। हिंदी अनुवाद में एक गलती है और इसलिए इसका करेक्ट ट्रांसलेशन है यहूदा और तामार से फेरेस और जोरह उत्पन्न हुए। यहाँ ऐसा लगता है जैसे यहूदा से फेरेस उत्पन्न हुआ और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए। ओरिजिनली यहूदा और तामार से फेरेस और जोरह उत्पन्न हुए। इसमें कौन सी बड़ी बात है आप पूछेंगे? इसमें बहुत बड़ी बात है। नंबर 1, यहूदी लोग सामान्यतया जब जीवन चरित्र लिखते थे तो उसमें स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं देते थे। पुराने नियम में इसके एक दो अपवाद हैं। कुछ राजाओं का इतिहास जब बताया गया है तब उनकी माँ का नाम दिया हुआ है, लेकिन उनकी माँ का नाम विशेष कारणों से दिया है। उन दो चार या 8-10 चरित्र को हटाकर रख दें तो पुराने नियम में हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर आखिरी पुस्तक मलाकी तक, आप जहां भी यहूदियों की वंशावली देखेंगे उसमें स्त्रियों का नाम नहीं आता है। लेकिन प्रभु यीशु की वंशावली में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब वो वंशावली लिखी गई है, इमीडिएटली उसमें हम एक स्त्री का नाम देखते हैं। ये हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु में ना पुरुष है ना स्त्री है। हम भारतीय लोग तो हर तरह का भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, इवन हम दूसरों के बारे में बोलते हैं तो उनकी कमी घटियों को जरा बड़ा चढ़ाकर बताने में हम लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु में ना पुरुष है ना स्त्री है। और इस कारण जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो राजा है, जो भविष्यवक्ता है और जो हमारा महायाजक है, उस व्यक्ति की जीवनी जब लिखी जा रही है तो उस व्यक्ति की वंशावली में स्त्रियों को भी स्थान मिला है। ये क्या बताता है? ये हमें नंबर 1, एक पहली बात तो ये बताता है कि प्रभु के यहाँ भेदभाव नहीं है। और यदि प्रभु के यहाँ भेदभाव नहीं है तो मेरे और आपके मन में भी विश्वासियों के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ एक दूसरी बात भी हम देखते हैं और वो दूसरी बात यह है कि यहूदा और तामार जब हम उनका इतिहास देखते हैं तो वो इतिहास एकदम से क्या कहना चाहिए, साफ नहीं है। तामार यहूदा की पत्नी नहीं थी, तामार यहूदा की बहू थी। पुराने नियम में एक सिस्टम था कि यदि एक स्त्री का पति बिना संतान उत्पन्न किए गुजर जाता है तो पति के जो भाई हैं वे लोग उस स्त्री के पास जाकर उसको संतान प्रदान करें। हिंदुस्तान में भी यह सिस्टम हुआ करता था। हिंदी में इसको नियोग प्रथा कहा जाता है। नियोग प्रथा के द्वारा उस स्त्री के पति के भाई लोग उसको संतान दें, ये प्रभु ने कहा। लेकिन ससुर का वहां कोई रोल नहीं था। जब उस स्त्री ने देखा कि ससुर जी प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करेंगे, तब उसने जो किया ये घटना हम अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो पुराने नियम से उसको पढ़कर देख लीजिए। समाज ने उसको व्यभिचार का नाम दिया और ये आज्ञा दी कि उस स्त्री को पत्थरवा किया जाए, क्योंकि पुराने नियम में व्यभिचार की सजा थी पत्थर से मार मार के मार डालते थे। जब उस स्त्री ने ये बात प्रकट की कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था के अनुसार उसने किया है, तब यहूदा ने उसके लिए पब्लिक में क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु के समक्ष मैं दोषी हूं। प्रभु ने यहूदा को क्षमा किया।
प्रभु ने तामार के विश्वास का आदर किया और इस तरह से जब प्रभु यीशु का जीवन चरित्र लिखा गया तो समाज ने जिस स्त्री को व्यभिचारिणी कहा था उसको प्रभु यीशु की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर के रूप में प्रभु के वचन में आदर मिलता है। इस घटना का जरा विश्लेषण करें। हम लोग अपने भाइयों और बहनों को जब उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं तो हम लोग इस आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं कि वे लोग क्या थे। प्रभु का वचन इस आधार पर विश्लेषण करता है कि वे लोग क्या बन गए। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब कोई अपने ही समाज में से मान के चलिए कि मेडिसिन में जाके बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन गया और जब कोई उसकी प्रशंसा करता है, जैसा मैंने कहा किसी के बारे में बुराई सुननी है तो चार लोगों के सामने उसकी प्रशंसा कर दीजिए, तो ये प्रशंसा करते हैं, अरे मालूम है फलाना वो तो डॉक्टर बन गया, तो तुरंत कोई ना कोई टोकेगा, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया, जब पढ़ता था स्कूल में तब तो बुद्धू था, सब लोग उसको बुद्धू कहते थे। इस तरह की बातचीत हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। हम हिंदुस्तानी लोगों की आदत है कि हम दूसरों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वो लोग क्या थे। हम लोगों के जीवन में से जो गंदी से गंदी, जो बेकार से बेकार, जो नीची से नीची, जो मलिन से मलिन बात है उसको ढूंढ ढांड कर खोद कर लाते हैं और सबके सामने रख देते हैं। लोगों को अनावृत करना हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतीयों का शौक है और इस कारण हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, विश्वासियों का मूल्यांकन करते हैं इस आधार पर कि वो क्या थे और क्या थे में उनके जीवन की सबसे मलिन बातों को लाकर जनता के सामने या विश्वासियों के सामने रखते हैं। प्रभु हमारा मूल्यांकन इस तरह से नहीं करते हैं। प्रभु मूल्यांकन करते हैं इस आधार पर कि हम क्या बन गए। यहां प्रभु यीशु की जीवनी में जिस बहन को नाम दिया गया है, जिसका नाम लिया गया है, उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने इस बात को डिसाइड किया कि वो परमेश्वर ने पुराने नियम में जो आज्ञा दी है सिर्फ उस आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ेगी। प्रभु ने उसका आदर किया। संसार के सृष्टिकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की जीवनी में उसका नाम भी लिया गया। पिछले 2000 सालों में जहां जहां प्रभु का वचन जा रहा है या गया है या जहां जहां जाएगा वहां तामार का नाम जरूर जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, नंबर वन। नंबर दो, प्रभु किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन वो क्या था क्या थी इस आधार पर नहीं करते हैं। प्रभु इस आधार पर हमारा मूल्यांकन करते हैं कि हम क्या बन गए। पांचवें पद को जरा देखें। पांचवा पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पांचवें पद में लिखा है, और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु की जीवनी में ताज्जुब की बात है कि एक से अधिक स्त्रियों का नाम बताया गया है। दूसरी स्त्री है राहाब। राहाब कौन थी? राहाब एक कनानी स्त्री थी। इस बात को याद रखें कि कनानी लोगों के ऊपर प्रभु ने शाप घोषित किया था, बल्कि राहाब जिस शहर में थी उस शहर की तो स्थिति यह है कि सबको तलवार से खत्म कर दिया था, उस शहर को जलाकर खाक कर दिया था, यरीहो को। तो शापित लोगों के बीच में, एक शापित शहर में जन्मी एक स्त्री का नाम
प्रभु यीशु के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रभु हमारा हमारे भूतकाल में हमारी जो कमियां और जो घटियां हैं वो नहीं देखते हैं, प्रभु ये देखते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या हो गए। एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ राहाब के बारे में प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है कि वो एक वेश्या थी। हम सामान्यतया हमारे परिवार में यदि इस तरह के पेशे का कोई है, मान के चलिए, इमेजिन कर लीजिए इस तरह से कोई है जो प्रभु के पास आ गया है, तो भी जनरली उसका नाम अभिमान के साथ नहीं लेते हैं। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए कि वो बहन वाह प्रभु के लिए क्या गाती है, तो कम से कम और चार बहनें कहेंगी कि हाँ क्या गाती है, वो भूतकाल में क्या थी तुमको नहीं मालूम है क्या। प्रभु यीशु के ग्रेट ग्रैंड मदर के रूप में इस तरह की एक गैर यहूदी शापित कनानियों के बीच में से एक ऐसे बहन का नाम प्रभु के नाम के साथ जोड़ा गया है जिसका पेशा ये था। फिर से मैं याद दिला दूं, प्रिय भाइयों और बहनों, हम हिंदुस्तानी लोगों की आदत है हम हमेशा दूसरों के जीवन में जो कमी और जो घटी है उसको खोद खाद कर, जिसको सारी दुनिया भूल चुकी होती है उसको खोद कर लाकर मलबे के समान दूसरों के सामने डालने में हम एक्सपर्ट हैं। हम लोगों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि भूतकाल में वो क्या थे। इसका असर हमारे व्यवहार पर भी काफी पड़ता है। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने भूतकाल में हुई जो कमियां या घटियां हैं दूसरों के सामने नहीं रखता है, कभी नहीं रखता है। कोई कभी ये नहीं बोलता है कि मैं दसवीं में एक बार फेल हो गया तो उसके बाद जम के पढ़ाई की, नहीं। हर कोई ये बोलने की कोशिश करता है कि मैं तो हमेशा ही बड़ा ब्राइट विद्यार्थी था, हमेशा फर्स्ट क्लास आता था। जो नकारात्मक जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यही है कि हम दूसरों का मूल्यांकन उनकी कमजोरी के आधार पर, उनकी घटियों के आधार पर करते हैं। प्रभु, जो लोग प्रभु के परिवार में आ गए हैं उनका मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वे क्या हो गए। मैं कई बार ये कविता आपके सामने सुना चुका हूं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, ये महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता है। गैर मसीही थे लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको लिखा है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें ये मिलकर सभी। प्रभु का वचन बार बार हमको याद दिलाता है हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे। ये तीनों हमें अपने सामने रखना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। जब हम दूसरे का मूल्यांकन करते हैं क्या थे उस आधार पर ना करें, क्योंकि क्या थे उस आधार पर हम जब दूसरे का मूल्यांकन करते हैं उसी आधार पर हमारा भी मूल्यांकन किया जाए तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमने नंबर दो व्यक्ति को देखा, प्रभु यीशु की जीवनी में खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें पद के सेकंड पोर्शन में। अभी हमने पांचवें पद का पहला पोर्शन पढ़ा, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। पांचवें पद के दूसरे पोर्शन में हम देखते हैं बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूथ कौन थी? आज मसीही जगत में सबसे ज्यादा जो नाम यूज किए जाते हैं उसमें से एक नाम है रूथ, एस्तेर, रूथ। ये दोनों नाम मसीही जगत में बहुत पॉपुलर हैं। रूथ कौन थी? रूथ एक मोआबी स्त्री थी। मोआबी लोगों के बारे में प्रभु के वचन में ये आज्ञा थी कि कोई मोआबी 10 पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर में ना आए। मोआबी
शापित लोग थे। शाप का कारण क्या था वो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। आज हमारा मकसद शाप से नहीं है, क्यों शापित हुए उससे नहीं है, हमारा मकसद ये सोचने का है कि जो व्यक्ति, जो स्त्री उस शापित कम्युनिटी में थी, पैदा हुई मोआबी, जो 10 पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर में आने के लिए योग्य नहीं थी, उसका नाम प्रभु यीशु की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर के रूप में प्रभु की जीवनी में आता है। और प्रभु की जीवनी में कहां आता है, संसार के सृष्टा सर्वेश्वर परमेश्वर का जो लिखित वचन है, जो सारी दुनिया में जिसकी करोड़ों कॉपियां बिक रही है, बट रही है, करोड़ों विश्वासी लोग जिसको पवित्र ग्रंथ जानकर पाठ और पठन करते हैं, उसमें उस महिला का नाम आ रहा है जो मोआबी कम्युनिटी से थी, जिसको 10 पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर में आने के लिए परमिशन नहीं था, किस तरह से वो प्रभु की जीवनी में आ गई। प्रभु के वचन में हम देखते हैं जब उसकी सास ने कहा कि बिटिया मैं तो वापस जा रही हूं, तू एक काम कर, तू तो जवान है, तू अपने लोग मोआबियों के बीच में रह जा, शादी कर ले, तू अभी जवान है, तेरी शादी आराम से हो जाएगी, शादी कर ले, घर बसा और बच्चे पाल, और इस तरह से तेरा जीवन संतुष्ट रहे, बस मैं तो जा रही हूं। तब रूथ ने जीवन में जो चॉइस किया था उसके बारे में बोला, तू जहां जाएगी मां, तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे जो लोग होंगे वो मेरे होंगे, तुम जिस ईश्वर को मानती हो वो मेरा ईश्वर होगा। ये अपने आप में आज हम इसको नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। नंबर वन, ये मोआबी, अमोनी, हित्ती, हिवी, इन लोगों के बीच में पुनर्विवाह बहुत आसान बात थी, और इसलिए यदि वो वहां मोआब में रह जाती तो बड़े आराम से उसकी शादी हो जाती। स्त्रियों के लिए विवाह, संतानोत्पत्ति वगैरह मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो लोग उसको काफी महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन यदि वो मोआब को छोड़कर इसराइल में चली जाती है उसकी शादी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो इसराइलियों के लिए एक घृणित कम्युनिटी है, एक जाति से आई है, तो शादी तो नहीं होगी। इतना ही नहीं, जितने साल वो अपनी सास के साथ रहेगी उतने साल इसराइली लोग उसके साथ घृणा का व्यवहार करेंगे, और सबसे उसमें वेदनाजनक बात यह है, सास तो उम्र में बड़ी है, कुछ सालों के बाद सास गुजर जाएगी, और जब सास गुजर जाएगी तब बिना पति के यहूदियों के या इसराइलियों के बीच में उसे रहना पड़ेगा, एक ऐसी कम्युनिटी जो मोआबियों से घृणा करते हैं, जिस कम्युनिटी को प्रभु ने लिखित रूप से आज्ञा दी कि मोआबियों को और अम्मोनियों को 10 पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर में आने मत देना। ये सब जानते हुए, वो अज्ञान नहीं थी, ये सब जानते हुए भी उसने ये चॉइस किया कि वो सास के साथ जाएगी, सास के लोगों को वो अपने लोगों के समान ग्रहण करेगी, जबकि वो लोग उसे नहीं ग्रहण करेंगे। और सास ने जिस सच्चे ईश्वर को जीवन भर देखा, जिसकी सेवा की, वो उस ईश्वर की सेवा करेगी। इस तरह से उसने सास के जीवन को देखकर प्रभु को ग्रहण किया, सच्चे प्रभु को ग्रहण किया, उसके साथ साथ सब कुछ बदल गया, हिसाब बदल गया, इक्वेशन बदल गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, मैंने इसके पहले आपको याद दिलाया है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। नया नियम इन बातों को पुराने नियम की तुलना में और अधिक स्पष्टता से बताता है, लेकिन ये जो सच्चाई हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में देखते हैं, ये पुराने नियम में यही सच्चाई थी कि जब एक व्यक्ति
सच्चे परमेश्वर को ग्रहण कर लेता था तो उसके जीवन में पुरानी बातें पूरी तरह से दूर कर दी जाती थी, उसके पाप क्षमा हो जाते थे। उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध प्रभु के वचन में जो शाप दिया गया है वो शाप दूर किया जाता था। इस कारण एक मोआबी स्त्री प्रभु यीशु की वंशावली में आ गई, जबकि किसी भी तरह से इसकी योग्यता उसमें नहीं थी। तीन स्त्रियों के बारे में हमने देखा, वे लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के योग्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि उनका भूतकाल ऐसा था। लेकिन प्रभु हमको हमारे भूतकाल के आधार पर नहीं देखते, हम क्या थे इस आधार पर नहीं देखते, बल्कि प्रभु हमारा मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि हम क्या बन गए। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आगे हम अभी एक एक दो पॉइंट और हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को कवर करने के पहले मैं जरा ये बात पूछना चाहता हूं। हम भारतीय मसीही समाज प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बावजूद जो सामाजिक कुरीतियां हमारे आसपास है, उन कुरीतियों को हम कई बार छोड़ नहीं पाए हैं। आज भी हमारा विश्वास समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे प्रभावित है, और इस कारण जब हम कोई भी व्यक्ति किसी भाई या बहन की प्रशंसा करता है तो तुरंत हम वो जो सामाजिक सिस्टम है उसके आधार पर उस भाई या उस बहन की बुराई में लग जाते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ये कतई उचित नहीं है। नंबर दो, हम में से कई ऐसे भाई या बहन हैं जिनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि प्रभु यीशु में आने से पहले आप अपने जीवन में शायद एक अपराधी जीवन बिताते हों, या आप एक अशुद्ध जीवन बिताते हों, या जिंदगी भर आपने लापरवाही की हो, या जिंदगी भर नशा किया हो। 50 बातें हो सकती हैं। और हो सकता है प्रभु यीशु में आने के बावजूद आप बार बार अपने भूतकाल को याद करते हैं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मेरे जीवन में फलानी बात थी, फलानी बात थी, और इस कारण क्या मैं अपने जीवन में कभी प्रभु के समक्ष कुछ बन सकूंगा क्या, मैं अपने जीवन में प्रभु का प्रेम पा सकूंगा क्या, प्रभु से आदर और इज्जत पा सकूंगा क्या। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका भूतकाल क्या है इसे भूल जाइए। प्रभु यीशु आपका मूल्यांकन आपके भूतकाल के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि आप क्या बन गए। आप क्या थे इस आधार पर नहीं, आप क्या बन गए। और हम क्या बन गए इसके बारे में प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। इस कारण अपने भूतकाल के बारे में सोचकर जीवन में अपने आप को स्वयं पीड़ा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बार बार ये बात याद रखनी चाहिए कि अब हम एक नई सृष्टि हो गए हैं और प्रभु हमको एक नई सृष्टि के रूप में देखते हैं। ये है जो प्रभु के वचन से आज हमने देखा, उसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसका एप्लीकेशन या व्यावहारिक एप्लीकेशन। इसके साथ साथ एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हम जो भी थे वो थे, प्रभु ने हमको नया बना दिया, लेकिन एक बार जब नया बना दिया तो उसके बाद प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम क्या बनेंगे। जब हमको एक नया ओहदा दे दिया है तो उस नए ओहदे के साथ, उस नई पोजीशन के साथ, उस नई हैसियत के साथ प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उस हैसियत के हिसाब से व्यवहार करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि
लोगों की बातचीत से बहुत आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। बातचीत में हर वाक्य में यदि वो चार गाली देता है तो हम इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति को गाली दी जाए और पलटकर वो ये जवाब देता है कि भैया काहे को अपना मुंह खराब करते हो, तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने पलटकर जवाब दिया वो किस प्रकार का व्यक्ति है। हर व्यक्ति समाज में उसकी जो हैसियत है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से बातचीत करता है। यदि सांसारिक जीवन में ऐसा है तो आत्मिक जीवन में तो और भी अधिक है। प्रभु ने हमको जो उन्नत ओहदा या जो स्थान दिया, प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उस उन्नत ओहदे के अनुसार बात करेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे। आज शाम को एक प्रश्न आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बातचीत, जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसमें सब प्रकार के लोग, इसलिए मैं पहले जो बच्चे हैं जो सुन रहे उनसे पूछना चाहता हूं, बेटा बिटिया, स्कूल में जब तुम जाते हो तुम्हारे साथ ही तमाम तरह की बात करते हैं, तुम उनके साथ उसी तरह की बातचीत में फंस जाते हो, गिर जाते हो, या उन बातों से दूर रहते हो? तुम कहोगे अंकल जी नहीं नहीं स्कूल में तो किसी तरह की कोई बात नहीं करते हैं। देखो मैं भी स्कूल का पढ़ा हूं, न केवल स्कूल का पढ़ा हूं, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मैंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए हैं, उनसे भी ये बात मालूम पता चलती रहती है कि स्कूल में बच्चे लोग किस तरह की बातें करते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो अध्यापक भी रहा हूं, मैंने अपना जो करियर है स्कूल से चालू किया था, 3,500 विद्यार्थी थे, इसलिए मुझे मालूम है कि बच्चे कैसे बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। जब तुम्हारे साथी लोग, गैर मसीही साथी लोग ऐसी बातचीत करते हैं जो एक मसीह के लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है तब? प्रभु ने, जब तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तब मेरे प्रिय बच्चे, बेटे, बिटिया, तुमको प्रभु ने जो नया ओहदा दिया है उसके साथ साथ प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि जब तुम्हारे साथी लोग ऐसी बातचीत करें जो एक मसीह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्रभु तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम उनकी बातचीत में भाग ना लो। उनको डांटने फटकारने की जरूरत नहीं है, बड़ा धर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत में तुमको भाग नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि तुम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हो, और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चों को वैसा व्यवहार करना चाहिए जो राज कुटुंब में जन्मे हुए हैं। आज जो लोग संदेश सुन रहे हैं इनमें ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो नौकरी करते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां आपके साथ ही लोग, आपकी बातचीत, आपका जो व्यवहार है उसके बारे में किस तरह से रिएक्ट करते हैं? यदि आपकी अनुपस्थिति में जाकर पूछा जाए फलाना व्यक्ति तुम्हारे दफ्तर में काम करता है या नहीं करता है, तो एकदम से उनका जवाब क्या होगा? अरे भैया तुम कैसे जानते हो, वो तो बातचीत करता है, तो ऐसी बात करता है जैसे प्रभु स्वयं अपनी वाणी हमें सुना रहे हैं। हम क्या थे उस हिसाब से नहीं जीना है, प्रभु ने हमको क्या बनाया है उस हिसाब से हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें कई प्रभु के दास हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, आप सब लोग जिस समाज में रहते हैं वहां अन्य लोग आपको देखते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, आपकी वाणी, आपका जो पुराना जीवन है उस आधार पर होना चाहिए, आपको प्रभु ने क्या बनाया है उस आधार पर होना चाहिए, इस बात का विशेष
ख्याल रखें। आगे सातवें पद में हम देखते हैं, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। ऊरिया की पत्नी के बारे में सारी घटना हम सब जानते हैं, हम सब पुराने नियम पढ़ते हैं। मैं उस घटना की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह स्त्री कौन थी। यहूदी नहीं थी, यह एक हित्ती स्त्री थी, जैसा मैंने इसके पहले याद दिलाया, मोआबी, अम्मोनी, हित्ती, हिव्वी, यबूसी, इन जातियों के बारे में प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। ये ऐसी जातियां थी जो प्रभु का आदर नहीं करती थी। प्रभु यीशु की जीवनी में जो चौथी महिला जिसका नाम जोड़ दिया गया प्रभु की वंशावली, वो एक यहूदी नहीं थी, एक हित्ती स्त्री थी, जिसका नाम वहां आए ये असंभव बात है। लेकिन यदि हम पुराने नियम में दाऊद का जीवन चरित्र पढ़ें, तो हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद और उस महिला के बीच में जो भी शुरू में हुआ वो अच्छा नहीं था, उचित नहीं था, उससे प्रभु के नाम की महिमा नहीं होती थी। लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद जब वो स्त्री दाऊद की पत्नी बन गई, तो दाऊद की पत्नी बन जाने के बाद जिस तरह से एक यहूदी महाराजा की पत्नी का व्यवहार होना चाहिए महल में, और जिस तरह से उसका आत्मिक व्यवहार होना चाहिए घर परिवार में, उस स्त्री का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था। प्रभु का वचन बतशीबा को इस कोण से नहीं देखता कि वो क्या थी, वो एक हित्ती थी, प्रभु के मंदिर में आने के योग्य नहीं थी, नहीं, उस कोण से नहीं देखती। प्रभु का वचन ये देखती है कि उसका भूतकाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बार जब वो एक यहूदी महाराजा की पत्नी बन गई, उसके बाद उसका व्यवहार किस तरह का था। उसका व्यवहार एक प्रभु के बच्चे के लिए उपयुक्त व्यवहार था, एक महारानी के लिए, मतलब प्रभु की जनता के बीच एक महारानी के लिए जो व्यवहार था उसके उपयुक्त था। प्रभु ने देखा, प्रभु ने आदर किया, और प्रभु के वचन ने उस आदर के हिस्से के रूप में उसका नाम प्रभु यीशु के नाम के साथ जोड़ दिया। इस तरह से प्रभु यीशु की जीवनी का जब हम अध्ययन करते हैं, तो प्रभु के जीवन चरित्र में या प्रभु की जो वंशावली है, इसमें चार स्त्रियों को देखते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ चार स्त्रियां नहीं है, एक पांचवी स्त्री के बारे में भी प्रभु के वचन में कहा गया है, जो हम 16वें पद में देखते हैं। 16वां पद ये कहता है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। एक विशेष बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये पद ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु यूसुफ से पैदा हुए, ये पद ये कहता है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे मतलब जिस मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु के बारे में यशायाह में ये कहा गया था कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उस हिसाब से मरियम के बारे में हम जानते हैं कि उसके विवाहित होने से पहले ही वो गर्भवती हो गई थी पवित्र आत्मा की मदद से। मत्ती पहले अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आज से 2000 साल पहले जब समाज के नियम वगैरह बहुत ही ज्यादा कठिन थे, उस कठिन स्थिति में जब एक स्त्री बिना अपने पति के साथ रहे गर्भवती हो गई,
तो उस समाज का कायदा था, यहूदियों का खासकर कायदा था, उसको बाहर लाओ, उसके ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगाया जाए और उसको पत्थरों से मारकर मार डाला जाए। इसीलिए यूसुफ चुपचाप उसे त्यागना चाहता था, क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार यदि वो बाकायदा कारण बताकर त्यागता तो उसको पत्थरवा करके मार डालते। लेकिन पवित्र आत्मा ने यूसुफ को बताया कि उसको ग्रहण करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाना मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। लेकिन ऐसी बातें रहस्य नहीं रखी जा सकती, और इस कारण यहूदियों के बीच में ये बात बहुत व्यापक तौर से फैल गई थी कि मरियम यूसुफ के साथ आकर रहने के पहले गर्भवती हो गई थी। यहूदी लोग प्रभु यीशु को अपने मसीहा के रूप में ग्रहण करने को तैयार नहीं थे, बल्कि जब जब मौका मिलता था तब तब प्रभु का उपहास करते थे। आपको याद होगा, एक बार प्रभु बातचीत कर रहे थे, तब अचानक यहूदियों ने प्रभु को मुंह पे देख के कहा कि हम ये विचार की संतान नहीं है। ये प्रभु के ऊपर एक भयानक आक्षेप था, प्रभु की मां के विरुद्ध एक भयानक आक्षेप था। क्यों? मनुष्य हमेशा दूसरों की कमी घटी को ढूंढता है। प्रभु इस बात को ढूंढते हैं कि हमारा मन क्या है। प्रभु ने मरियम को क्यों चुना? ये मरियम स्वर्गदूत से जो बात करती है उससे स्पष्ट है। स्वर्गदूत ने जब उससे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो गर्भवती होगी, तब उसका एकदम से जवाब था, मैं प्रभु की दासी हूं, गुलाम हूं, प्रभु जो चाहे वो मेरे द्वारा करे। तो ये जो पांच स्त्रियों को हमने प्रभु के वचन से देखा, उन पांचों के बारे में हम देखते हैं कि उनके यदि भूतकाल को देखा जाए तो मनुष्य के मापदंड के हिसाब से उनके जीवन में कोई ना कोई कमी या घटी मनुष्य ढूंढ कर निकाल सकता है। खासकर हम हिंदुस्तानी लोग, हमारी तो बहुत ही गंदी आदत है कि किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाए तो उसके भूतकाल में जाकर खोद खाद के कोई ना कोई गंदी बात, कोई ना कोई मलिन बात, या कोई ना कोई बात जिससे कि उसको किसी तरह से नीचा दिखाए 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 जाए, ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कदापि ना करें। प्रभु हमारा मूल्यांकन हम क्या थे उस आधार पर नहीं करते हैं, प्रभु हमारा मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि हम क्या बन गए, क्या हो गए। क्या हो गए के दो पहलू हैं। नंबर 1, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमने जब प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तो उसके साथ साथ हम एक नई सृष्टि बन गए। नंबर 2, जब हम एक नई सृष्टि बन गए तो उस नई सृष्टि के हिसाब से जीने के लिए हमको जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रभु ने दिया है। और जब हम उस हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो जैसा हमने प्रभु के वचन से देखा था, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखने लगता है। आप पूछेंगे कि आज प्रभु का वचन जिसका हमने अध्ययन किया, ब्रदर मेरे जीवन में उसका क्या एप्लीकेशन है? दो तीन बातें एप्लीकेशन के रूप में बताना चाहता हूं। नंबर 1, हम में से कई भाई या बहन ऐसे हो सकते हैं जो अपने भूतकाल में हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई घटी हुई है, हमारे जीवन में कोई खामी आ गई है, उन बातों को सोचकर बार बार अफसोस करते हैं। कोई पाप हो गया था उसको सोचकर अफसोस करते हैं। याद रखें, प्रभु भूतकाल में हमने जो किया वो नहीं देख रहे हैं। जब प्रभु ने हमको पाप से क्षमा प्रदान की तो हमारे भूतकाल को पूरी तरह से क्षमा कर दिया। कल को कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बीमार हो गया, बच्ची बीमार हो गई, पति बीमार हो गया, अचानक हमको लगता है आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले,
मैंने फलानी गलती की थी, अब प्रभु मुझे सजा दे रहे हैं। जी नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। जिस क्षण हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण हमारा जो भूतकाल है, प्रभु उसको जिस तरह से एक टीचर बोर्ड को साफ कर देता है, उसी तरह से प्रभु उसको मिटा देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप जो है पूर्व से पश्चिम जितना दूर है मैं उतना दूर कर दूंगा। इसलिए आपके जीवन में इसका क्या एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन है, भूतकाल में यदि आपके जीवन में कोई कमी, कोई घटी, कोई गलती, कोई पाप या कोई अपराध हुआ हो, जिस क्षण उसके बारे में आज विलाप करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण प्रभु ने आपको पाप क्षमा दी, उस क्षण प्रभु ने आपका जो भूतकाल है उसको मिटाकर खत्म कर दिया है। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो नई हैसियत दी गई है उसके हिसाब से जीवन बिताएं। लेकिन इसका एक दूसरा एप्लीकेशन भी है। हम भारतीयों की बहुत आदत है दूसरे को सबके सामने अनावृत करना। ऐसा ना करें। प्रभु ने याद दिलाया था कि तुम्हारे भाई की आंख में जो तिनका पड़ा है वो तिनका देखकर तुम क्यों कहते भैया मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं, तुम्हारी आंख में तो बड़ा लट्ठा पड़ा है। हे कपटी, अपने आंख का लट्ठा पहले हटाओ, उसके बाद अपने भाई की आंख का तिनका जरा अच्छी तरह से देख के निकाल सकोगे। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें बार बार ये बात याद रखनी चाहिए, हम अपने भाई बहन अन्य विश्वासी उनके जीवन की कमियों घटियों को कुरेद कुरेद कर लाकर दूसरों के सामने रखने की कोशिश ना करें। जिस चीज को प्रभु ने भुला दिया है उस चीज को हम याद करने की कोशिश ना करें, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि अपने भाई की नुक्ताचीनी करने के कारण प्रभु से हम डबल सजा के योग्य हो जाएंगे। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आज याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि हमारे भूतकाल को पूरी तरह से मिटाकर प्रभु ने हमको एक नई सृष्टि बनाया, हमको एक नई हैसियत दी। इस कारण प्रतिदिन हमें ये सोचना होगा, सोचना चाहिए, हे प्रभु आपने मुझे नई हैसियत दी है, इस नई हैसियत के हिसाब से जीवन बिताने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं इस नई हैसियत के अनुसार सोचूं, मेरी मदद कीजिए कि इस नई हैसियत के अनुसार मैं आपकी भक्ति करूं, मेरी मदद कीजिए कि इस नई हैसियत के हिसाब से मैं हर कार्य करूं। और हे प्रभु सबसे बड़ी बात, मुझे एक ऐसा नजरिया दीजिए जो इस नई हैसियत के अनुसार हो, जिससे सबको मैं इस नए नजरिए के हिसाब से देख सकूं। इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आज जो बातें मैंने बताई उसका सारांश क्लोजिंग में मैं बता दूं, मनुष्य हमेशा दूसरों के भूतकाल को देखता है और दूसरे को तुच्छ जानता है, प्रभु हमेशा भूतकाल को नहीं देखते। हम क्या थे उसको नहीं देखते, हम क्या हो गए ये देखते हैं। हमें भी जब हम दूसरों को देखते हैं इसी कोण से देखना चाहिए। हमारे स्वयं के जीवन के बारे में भी यही बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। भूतकाल के बारे में बैठकर पश्चाताप या विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु ने हमको जो बनाया है उस हिसाब से जीवन बिताने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।